लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दुश्मनी जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन इतना गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। जय हिंद दोस्तों, आज हम रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद को समझेंगे और दुनिया आज युद्ध क्यों लड़ रही है, दो फार क्यों हो गई है, दो ध्रुव पे क्यों खड़ी हो गई है, किसका कौन साथ देगा, इस पे चिंतन मनन हो रहा है। पूरा दुनिया इसके पीछे पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था अब फिर से मंदी के कगार पे पहुंचने वाली है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना काल के बाद जो उभरी थी वो फिर से कहीं खटाई में न पड़ने चला जाए, और हो सकता है हमने जो अभूतपूर्व समृद्धि हमको मिला है पूरे दुनिया में वो फिर से कहीं इस तरह के चीज़ों में उलझ करके फिर से चला ना जाए। देखिए, दुनिया ये समझने लगी थी कि युद्ध अब बीते जमाने की चीज़ हो गई है, अब युद्ध कहीं होता नहीं है, लेकिन देखिए वर्तमान में क्या हो रहा है। यहाँ पे दो देश आपस में लड़ गए। रूस के जो चील है, जो फाइटर जेट वगैरह है, वह यूक्रेन पे मंडरा रहे हैं, यूक्रेन पे मंडरा रहे हैं, और यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन मरे, उसको मारने की होड़ लगी हुई है, और यूक्रेन भी बड़े बहादुरी से लड़ रहा है रूस के साथ। हम इसका पूरा विश्लेषण आज करेंगे, हम आज देखेंगे वर्तमान को इतिहास के नज़रिए से और बिना किसी पूर्वाग्रह के। हम एक ऐसा विश्लेषण करेंगे, साउंड विश्लेषण, कि जिससे आपको पता लगेगा कि आपको किसका साथ देना चाहिए, इंडिया को किसका साथ देना चाहिए। इंडिया तो एक तरह से धर्म संकट में पड़ा हुआ है कि हम साथ दे तो किसका दे। छठा दिन युद्ध का समाप्त हो चुका है और अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और ज़्यादा तेज हो गया है। कहा जाता है कि रूस जो है वह यूक्रेन की राजधानी कीव पे बहुत ताबड़तोड़ हमला कर रहा है और खारकीव पे हमला कर रहा है। कीव में 30 लाख लोगों की लगभग जनसंख्या है, खारकीव में लगभग 15 लाख लोग रहते हैं। वहाँ पे चाहता है कि राजधानी पे कब्जा कर ले ताकि पूरा यूक्रेन पे हम आसानी से कब्जा कर सके। और दूसरी बात है कि यहाँ एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है रूस जो उसके समर्थक हो, ऐसा नहीं हो कि इसके विरोधी हो। एक्चुअली युद्ध क्यों हो रहा है, इसके पीछे की पूरी कहानी को हम लोग समझेंगे। हम लोग देखेंगे कि नाटो में क्यों सम्मिलित होना चाहता है यूक्रेन और क्यों जो है रसिया उसका विरोध कर रहा है, और उसके कारण वह युद्ध पे उतारू हो गया, तो हम ये सब देखेंगे। अभी कई बार शांति वार्ता भी स्थापित हुई है बेलारूस में यूक्रेन और रूस को लेकर के, लेकिन अभी तक वह शांति स्थापित नहीं हो पाई है। वह अपने अपने शर्तों के कारण वह नहीं हो पाया संपन्न सही से, और उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। तो यूक्रेन ने अपना एक अलग शर्त थोप दिया और रूस ने अपना शर्त थोप दिया यूक्रेन पे, और दोनों जो है वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, और मारा जा रहा है आम जनता। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो भुगतता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो आम जनता पर ही पड़ता है, पीसे जाते हैं आम जनता ही। तो इसका पूरा विश्लेषण हम लोग करेंगे, लेकिन इसके पहले आप समझ लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो रूस आप देखते हैं ना, इतना बड़ा, ये पहले बहुत बड़ा था, अब तो बस ये बाउंड्री है, पहले ये बहुत बड़ा था। कहा जाता है कि 1917 में जब रूस में जार का शासन था, जार वहाँ के शासक को कहा जाता था, उसका नाम था निकोलस द्वितीय। उस निकोलस द्वितीय एक तरह से समझिए कि एक डिक्टेटर था, वह तानाशाह था, वहाँ का लोकतंत्र स्थापित नहीं कर रहा था, बहुसंख्यकों पे कहा जाता है कि बहुत जुर्म हो रहा था, वहाँ पे विकास नहीं हो रहा था, और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो रसिया उसमें हार भी गया। इससे वहाँ के लोगों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने विद्रोह कर दिया, एक क्रांति कर दिया, उसका नाम था बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक का मतलब होता है बहुसंख्यक क्रांति। बहुसंख्यक लोगों ने इस क्रांति को लीड किया था, उसका नेता था लेनिन, और लेनिन ने कहा था युद्ध को समाप्त करो, प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था उसको कहा समाप्त करो, और हम एक शांति स्थापना करना चाहते हैं। आज भी युद्ध को समाप्त करने की बात होनी चाहिए और युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए। तो हम बात करते हैं 1917 की। 1917 में क्या हुआ, जो आज से 100 साल पहले की बात है या उससे भी थोड़ा पहले, बोल्शेविक क्रांति हुई रूस में, जिसके कारण वहाँ जार का शासन का अंत हो गया और वहाँ एक नई राजनीतिक व्यवस्था, एक नई आर्थिक व्यवस्था पैदा हुई। उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट, या उसको बोलते हैं साम्यवाद। साम्यवाद की स्थापना हो गई वहाँ पे।
और उसके कुछ दिनों के बाद 1922 में आकर के यूएसएसआर बना। यूएसएसआर का मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यह एक प्रकार का पूरा गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यहाँ गणतंत्र 15 गणतंत्र मिलाकर के पूरे रूस को बना दिया गया, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा रूस बना। और उस समय एक व्यवस्था भी दी गई कि इन सबको कभी भी भविष्य में अलग हो जाने की थोड़ी स्वतंत्रता भी होगी, और इसी कारण से 1991 में टूट भी गया। हालांकि इसके पीछे नाटो ने बड़ा काम किया था, यूएसए ने बड़ा काम किया था, वो चाहता था कि रूस को तोड़ देना है, और रूस अंततः टूट भी गया। हालांकि इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण थे। 1991 में मिखाइल गोर्बाचोव ने बहुत सारे अधिकार दिए थे इस क्षेत्रों को, उनको अपना भाषा चुनने का अधिकार दे दिया था, वहाँ पे लिबरलाइजेशन वगैरह भी चल रहा था। तो इससे क्या हुआ कि इनको विखंडित होने में बड़ी एक फोर्स का काम किया। कहा जाता है मिखाइल गोर्बाचोव के कारण ही रूस टूट गया था। रूस एक्चुअली इस तरह के स्वतंत्रता में कभी रहा नहीं, उस तरह के लिबरलाइज्ड में कभी रहा नहीं, और विविधता भी बहुत ज़्यादा था। विविधता इतना ज़्यादा था कि सब लोग अलग अलग भाषाएँ भी बोलते हैं, कहीं रशियन चल रहा है, कहीं किसी और यूक्रेनी चल रहा है, कहीं और कोई भाषा चल रहा है। तो इसके कारण वो एक देश के रूप में कभी भी अपने आप को संगठित नहीं कर पाए थे, उनमें एक भावना नहीं थी, वो राष्ट्रीयता की भावना। कहा जाता है कि अगर इंटेग्रिटी और एक तरह की जो भावना होता है देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, वो खत्म हो जाए तो देश टूट जाता है, इसलिए उसको रहना बहुत ज़रूरी है। भारत के संविधान कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है और किसी भी राज्य को बाहर होने का हक नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, इसलिए ये लोग अलग हो गए। तो 15 पार्ट में टूट गए फिर से। कहा जाता है कि रूस तो एक बड़ा पार्ट था, 76% हिस्सा लगभग रूस के पास ही रहा, और बाकी में 14 अलग अलग देश बन गए। जैसे क्या क्या बना, एक कजाकिस्तान बन गया, किर्गिजिस्तान बन गया, ताजिकिस्तान बन गया, तुर्कमेनिस्तान बन गया, और उज्बेकिस्तान बन गया, एस्टोनिया बना, लाटविया बना, लिथुआनिया बना। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ यूक्रेन बना, मोल्डोवा बना, बेलारूस बना, और उसके बाद आप देखेंगे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये सब 15 पार्ट में टूट गया। सबसे पहले तो ये आप देखेंगे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जैसे देश बने। अब एक्चुअली है क्या, यह युद्ध क्यों हो रहा है, इसके पीछे का एक समझिए कि क्या कारण है। कहा जाता है कि इसके पीछे मेन कारण है यूक्रेन का नाटो देश में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करना या लगातार इसके लिए प्रयासरत होना। रसिया कहता है कि नाटो को हम आने नहीं देंगे। अब नाटो क्या है, देखिए नाटो जो है एक प्रकार का संगठन है, एक प्रकार का सैनिक संगठन है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कहा जाता है कि इसको अमेरिका ने बनाया था द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के कुछ दिन के बाद, क्योंकि 1949 में, और इसका मकसद ही था कि हम वर्चस्व स्थापित करेंगे विश्व में। इसके चार्टर 5 में यह इसका आर्टिकल है, आर्टिकल 5 में यह वर्णन है कि कोई भी देश जो नाटो में सम्मिलित होगा, अगर उस पर कोई भी देश आक्रमण करेगा तो सब देश मिलके उसको मारेंगे, सब देश उस पर मिलके हमला कर देंगे। लेकिन इसके देश, कोई भी देश दूसरे देश पे आसानी से आक्रमण कर सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई आक्रमण करेगा तो सब देश मिलके मारेंगे, इस तरह की व्यवस्था इसमें है। और ये बनाया है अमेरिका ने, और अधिकांश यूरोपियन कंट्री ही इसमें शामिल है, 30 देश इसमें शामिल है नाटो में, और नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स में है, और हाल फिलहाल में मैसिडोनिया को भी इसने शामिल किया है। अब ये चाह रहा है कि हम यूक्रेन को भी शामिल कर ले, इससे पहले वह एस्टोनिया और लाटविया जैसे देशों को शामिल कर चुका है, और अपना यहाँ पे सेना भी मतलब अपना जो फाइटर जहाज वगैरह है वो भी तैनात कर रखा है, और कभी भी इस पर कोई भी आक्रमण करेगा तो निश्चित है कि पूरा नाटो सेना मिलकर उसका सामना करेगी। तो यह एक तरह से थ्रीट है, एक तरह से धमकी है रूस के लिए, रूस नहीं चाहता है कि ऐसा हो। हुआ क्या था कि जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ और शीत युद्ध शुरू हो गया था, तो उस समय रूस भी एक संधि बनाया था, उसने भी एक संगठन बनाया था, उसका नाम था WTO। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वारसा पैक्ट के तहत इसने वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और ये अमेरिका 1949 में नाटो बनाया। अब दोनों के बीच संघर्ष हो रहा था, तो 1991 में तो रूस टूट गया अलग अलग भाग में, तो इसने ये भी अपना अस्तित्व समाप्त हो गया, वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी जो आपका उसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो उसने रूस ने कहा कि अब तो हमारा भी खत्म हो गया है वारसा पैक्ट,
तो आप जो है आप नाटो को भी खत्म कर दीजिए। लेकिन अमेरिका ने नाटो को खत्म नहीं किया बल्कि उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में। तो थोड़ा बदमाश तो है ये अमेरिका, लेकिन इसका अपना इंटरेस्ट है, अपना इसका राष्ट्रीय हित में जो अच्छा लगेगा वो करेगा। पूरे दुनिया में यही होता है कि जिसको जो राष्ट्रीय हित में होता है वो अपने तरीके से काम को करता है। लेकिन एकदम पड़ोस में लगा कि जब नाटो का ये सदस्य बन जाएगा यूक्रेन, तब तो बड़ी एक खतरा पैदा हो जाएगा रूस के लिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँच जाएगा, उसके मुंह पर पहुँच जाएगा ये अमेरिका, और इसके दुश्मन एकदम इसके नज़दीक पहुँच जाएंगे, तो ऐसे ये सोचता है। लेकिन यूक्रेन की भी स्वतंत्रता है, अगर दूसरे नज़रिया से देखिए तो यूक्रेन में यूक्रेन भी एक देश है, और यह भी देश अपने हित के लिए लगातार काम करेगा। ये भी तो डेवलपमेंट चाहता है ना, ये भी चाहता है कि हमको एकदम सुरक्षा मिला हुआ हो, तो ये चाहता है कि यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए। ईयू, यूरोपियन यूनियन इसको कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन में 27 देश है, आपको पता है कि पहले 28 देश था, ब्रिटेन इससे अलग हो गया तो 27 देश हो गया। ये चाहता है यूरोपियन यूनियन में शामिल होना, इसने आवेदन भी कर दिया है अभी, और इसको जो यूरोपियन यूनियन का जो संगठन है उसने भी हामी भर दी है कि इसको यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाए। साथ ही साथ इसने कहा कि नाटो में भी शामिल करिए, और इसीलिए तो युद्ध हो रहा है। अमेरिका ने इसको संकेत भी दिया, और जर्मनी ने भी संकेत दिया था, और यूरोपियन यूनियन ने भी, कि ठीक है नाटो में भी इसको सम्मिलित भविष्य में किया जा सकता है, क्योंकि लगातार इसको दबाव आ रहा था कि नाटो में सम्मिलित हो जाइए। ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरफ से हो रहा था ताकि हमारा प्रभाव क्षेत्र यहाँ तक बढ़ जाए, और इसीलिए ये जो रूस है वह अपने असुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर आक्रमण कर दिया है कि भैया आपको इसमें शामिल नहीं होना है, अगर आप शामिल होते हैं तो युद्ध झेलने के लिए तैयार रहिए। उसने तो धमकी भी दिया है बाकी यूरोपियन कंट्री को भी कि अगर आप इसमें सम्मिलित होंगे तो बहुत बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में रूस ने यूक्रेन पे एक बम गिरा दिया है, उसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल बम, या उसको कहा जाता है वैक्यूम बम। वैक्यूम बम का प्रयोग एक्चुअली करना नहीं है, मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, और पूरे विश्व में एक समझौता हो चुका है कि इस तरह के बम का इस्तेमाल कहीं भी नहीं करना है। यह इंटरनेशनल ट्रीटी का, इंटरनेशनल जो आपका जो समझिए कि एक प्रकार का समझौता है, उसका उल्लंघन है। तो रूस ऐसे भी उल्लंघन करते रहा है, चीन भी तो करते रहा है, वो भी कहाँ मानता है, इधर पूरा दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्रों को कहता है कि हमारा है, वो भी नहीं मानता है। अमेरिका भी तो नहीं मानता, अमेरिका ने भी इराक पे आक्रमण किया, सीरिया पे किया, उसने माली पे किया, उसने अफगानिस्तान वगैरह को बर्बाद कर दिया, उसी तरह से इराक को बर्बाद कर दिया, उत्तरी कोरिया पे देखा आपने, वियतनाम में देखा कि क्या स्थिति किया उसने, सीरिया में देखिए कि क्या स्थिति किया। तो इस तरह से सीरिया, मिस्र वगैरह सब जगह पे देखिएगा कि अफगानिस्तान जो है ये अमेरिका जो है वह अपना मनमानी करता ही करता है। तो ये भी तो इंटरनेशनल लोग को नहीं मानता है, चीन भी नहीं मानता है, तो रसिया क्यों मानेगा, उसने भी नहीं माना, वो भी अपने बम का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मानना चाहिए, आपको क्या लगता है कि अगर पूरे दुनिया में जितने ताकतवर देश है वो इस तरह की चीज़ों को नहीं मानेंगे तो बाकी लोग भी क्यों मानेंगे, तो पूरा अराजकता फैल जाएगा। इसलिए विश्व व्यवस्था बना रहे, इसलिए लोग को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अब आपको हम बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है इस पूरे युद्ध के पीछे की एक पूरी कहानी। 1991 में जब USSR टूट गया, तो कुछ दिनों के बाद 1994 में एक समझौता किया गया था, उसका नाम था बुडापेस्ट समझौता। इसमें स्पष्ट रूप से ये बातें कही गई थी यूक्रेन को कि अब आपका पूरा का पूरा सुरक्षा की जिम्मेवारी ब्रिटेन को का रहेगा, रसिया का रहेगा और अमेरिका का रहेगा। यानी कि आप अपने यहाँ जो आपके पास परमाणु बम वगैरह है वह रसिया को दे दीजिए। और यूक्रेन इस पे राजी हो गया, उसको लगा कि हमको ऐसे भी दुनिया में तो अब युद्ध होते नहीं है, इस तरह से खतरा भी नहीं है, और कभी खतरा आता है तो रूस और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जो है वो हमारा मदद करेगा ही। तो इसने अपना पूरा का पूरा जो जखीरा था परमाणु बम का, लगभग 200 परमाणु बम थे इसके पास, उसने रसिया को दे दिया। वैसे भी रसिया उस बम को हासिल करना चाहता था, क्योंकि रसिया जब टूटा उससे पहले चार जगह पे, अलग अलग चार जगह पे इसका परमाणु संयंत्र काम करता था जहां परमाणु बम बनाए जाते थे। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रसिया ने ही बना रखा है। रसिया की इकोनॉमी जो है बहुत अधिक सुदृढ़ नहीं है, भारत से भी नीची है। भारत की इकोनॉमी तो 2.5-3 trillion dollars तक पहुंच रही है, लेकिन रसिया की इससे भी नीची है। लेकिन रसिया दुनिया में दूसरा नंबर के सबसे ज़्यादा सामरिक क्षेत्र में शक्तिशाली देश है, और वह बहुत ज़्यादा खर्च करता है अपने बजट का सामरिक क्षेत्रों में। अमेरिका के बाद कहा जाता है दुनिया में यह सामरिक क्षेत्र में, सिक्योरिटी के क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है ये। तो इसके पास बहुत बड़ा एक फौज भी है,
तो इस क्षेत्र में तो वो नंबर एक है, लेकिन वो चाहता था कि जब 1991 में टूट गया यूएसएसआर तो चाहता नहीं था कि यूक्रेन के पास वह परमाणु बम रह जाए। तो वह बड़े चालाकी से बुडापेस्ट समझौता करता है 1994 में, यूक्रेन को भी सही लगता है और वह पूरे परमाणु बम रशिया को दे देता है। लेकिन 1996 की एक बात हुई थी, उसमें एनपीटी पर सिग्नेचर करने के लिए भी कहा गया। एनपीटी मतलब होता है कि आप अपना परमाणु टेक्नोलॉजी दूसरे देश को नहीं बांटेंगे जब उस पर सिग्नेचर हो जाएगा, तो भारत ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया है। इसीलिए भारत में बहुत सारे जब यूरेनियम वगैरह को खरीदना होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें व्यवधान के रूप में आ जाती है। तो यहाँ पे इसने एनपीटी पर सिग्नेचर कर दिया है, तो 1996 में कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1997 में यूएसए ने पूरी तरह से रशिया को यह आश्वासन दिया कि हम अपने नाटो का विस्तार इस क्षेत्र में नहीं करेंगे, आपके बाउंड्री के आसपास वाले क्षेत्रों में नहीं करेंगे, यूक्रेन में नहीं करेंगे। लेकिन 2008 में अमेरिका का जो स्ट्रेटजी है वो बदल जाता है और वह कहता है इसको यूक्रेन को कि अब आपको हम नाटो में शामिल करना चाहते हैं और हम आपको यूरोपियन यूनियन में भी शामिल कर लेंगे अगर आप उस परिस्थिति में पहुंच गए तो, अगर इसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत ठीक हो जाए तो हम आपको यूनियन में शामिल कर लेंगे, तो आप जो है अपने आप को तैयार रखिए। इस बात से रशिया बहुत नाराज हो गया और इसको लगा कि यह एक तरह से सीधे सीधे धमकी है मुझे, तो ये उस वक्त से कोशिश करने लगा कि यूक्रेन में कोई ऐसी सरकार बने जो पूरी तरह से रूस का पिट्ठू हो, और उसने इसमें कामयाबी भी हासिल हुई। 2012 में यानुकोविच नाम का एक व्यक्ति था जो प्रेसिडेंट था यूक्रेन का, और वह पूरी तरह से रशिया का पिट्ठू था। लेकिन 2012 आते आते यहाँ पे इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ कि लोग जो है सड़कों पे उतर आए और इस यानुकोविच के विरुद्ध खड़े हो गए। इनको भागना पड़ा, देश छोड़ के रशिया भाग गए। उसके बाद उस पॉपुलर मूवमेंट में एक व्यक्ति उभर जाते हैं, उसका नाम होता है व्लादिमीर जेलेंस्की, और वह यहाँ के प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं। और वह व्यक्ति जो है पूरी तरह से यूएसए के समर्थक है, वह पूरी तरह से नाटो में सम्मिलित होना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन में सम्मिलित होना चाहते हैं, रूस का विरोधी है। और इस तरह से रूस को बहुत नाराजगी इसको झेलना पड़ा, इसको लगा कि अब जो है तो हमारे हाथ से शायद यूक्रेन निकल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ की सरकार जो है अमेरिका के पक्षधर है और अमेरिका की बातों को मानेगा, ये यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है, वैसे भी यूक्रेन चाहता है कि तेजी से विकास हो, अपनी सुरक्षा भी हम ठीक ढंग से कर सके, इसलिए वह यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है, वह नाटो में शामिल होना चाहता है। लेकिन रूस नहीं चाहेगा कि इस तरह से चीज़ें हो, और इसीलिए खुन्नस में आकर के उसने युद्ध भी किया हुआ है। उस समय एक घटना घटित हुई 2014 में, उसने रूस ये जो यूक्रेन है इसके एक क्षेत्र था उसका नाम था क्रीमिया, ये जो देख रहे हैं ना ये क्षेत्र क्रीमिया है, यहाँ देख रहे हैं अजोब सागर है, यहाँ एक ब्लैक सी है, इसी के बीच में एक द्वीप था क्रीमिया। क्रीमिया पे 2014 में रूस ने आक्रमण करके उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया। साथ ही साथ उसने एक और काम किया, उसने क्या किया कि जो यूक्रेन आप देख रहे हैं, इस यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में जहाँ रशियन भाषा बोला जाता है, रशियन कल्चर हावी है, रूस के समर्थक लोग हैं, इसके पूर्वी क्षेत्र में इस पूरे क्षेत्र को उसने काट दिया और काट करके यहां अपने समर्थक वाले सरकार को बना दिया। यहां पे एक पिट्ठू सरकार बना दिया उसने, इसको इसका नाम है लुहांस्क और इसका नाम है डोनेट्स्क इसका नाम है, तो इसको डोनेट्स्क रीजन बोला जाता है। तो इस दोनों पे रशिया का बहुत ज्यादा प्रभाव है, यहां पे लगभग 70% लोग जो है रशियन भाषा बोलते हैं, रशियन के समर्थक लोग हैं, और वैसे भी रशिया का प्रभाव इस क्षेत्र पर भी थोड़ा थोड़ा है, लगभग 30% लोग यहाँ भी रशियन भाषा बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इस पूरे क्षेत्र का, इस साइड का, वह यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यूरोप में शामिल होना ज़्यादा अच्छा होगा बनिस्पत कि हम रूस के चंगुल में रहेंगे, तो ये चाहते हैं कि हमें इस तरह से हो जाए। और इधर विद्रोही गुट लगातार काम करते रहते हैं, यहाँ पे एक गुट भी है जिसको नाजीज गुट कहा जाता है, जो रशिया बराबर कहता है कि एक ग्रुप है, राष्ट्रवादी और नाजीज ग्रुप, वह दोनों ग्रुप जो है रशिया के खिलाफ काम करता है, तो उस ग्रुप को बाहर किया जाना चाहिए, यहाँ की सरकार को उसको बाहर कर देना चाहिए। इसीलिए उसने जो बेलारूस में जब समझौता हो रहा था शांति वार्ता, तो उसने शर्त रख दी थी कि एक तो नाटो में सम्मिलित नहीं होंगे, लिखित रूप से हमको दीजिए, दूसरा यहाँ जो नाजीज ग्रुप है, जो राष्ट्रवादी ताकते हैं, जो रूस के विरोध में काम करते हैं, उसको बाहर कर देना है, ये उसने रखा था शर्त। लेकिन यूक्रेन ने उसको नहीं माना, यूक्रेन पहले कहता है कि आप क्रीमिया से अपने फौज को हटा लीजिए,
वो हमारा क्षेत्र है, और इस लुहांस्क और डोनेट्स से भी अपना फौज हटा लीजिए और उसको एक यूनिट मान लीजिए, पूरा यूक्रेन का है। अब ये भी असंभव है भाई साहब, ये रूस तो मानेगा नहीं इस चीज़ को, तो समझौता हुआ ही नहीं, दोनों समझौता विफल हो गए और दोनों युद्ध अभी भी लड़ रहे हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए, और पूरा विश्व जो है बट रहा है किसका कौन साथ देगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको ये जान लेना चाहिए कि रूस के जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ये जो पुतिन साहब हैं यह केजीबी में रह चुके थे, वह खुफिया एजेंट थे। केजीबी है क्या? केजीबी रूस का खुफिया एजेंसी है, जैसे भारत का रॉ है, रिसर्च एंड आप जानते हैं रिसर्च एनालिसिस, और बिंग है भारत में, तो इसी तरह से यहाँ पे रसिया में केजीबी है, और अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी उसका नाम है सीआईए, इसका भी नाम याद रखिए, इसका खुफिया एजेंसी सीआईए और रूस का केजीबी। सीआईए और केजीबी के बीच में बराबर लगातार शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। केजीबी में यह रह चुके हैं खुफिया, और इनको युद्ध लड़ने का कहा जाता है कि 1991 में यह पूरी तरह से राजनीति में आ गए थे, रूस के राजनीति में, और 2000 आते आते वह प्रेसिडेंट बन गए, और उनके पास एक लंबा अनुभव है इस तरह की चीज़ों का, एक डिक्टेटर भी है। कहा जाता है कि रूस का इन्होंने संविधान को चेंज करके अपने आप को लगातार बनाए रखा है सत्ता में, सबसे ताकतवर आदमी है ये कहा जाता है कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक रूस के प्रेसिडेंट ये बने रहेंगे, तो ये व्यक्ति इस तरह के है। थोड़ा सा इनकी मानसिकता भी जो है वो लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के ये नहीं है, और ये जो यूक्रेन है इसकी भी कहानी बेहतरीन है, व्लादिमीर जेलेंस्की, यहाँ के जो राष्ट्रपति है उसका नाम है जेलेंस्की, ये एक्चुअली एक्टर था, यह कभी भी राजनीति में अपना भाग्य नहीं आजमाया था, राजनीति का ककहरा भी इनको नहीं आता है, ये तो पॉपुलर मूवमेंट हुआ था इस यहाँ के जो हमने अभी आपको बताया था उसके खिलाफ, तो उसने जो है वहाँ के लोगों ने जेलेंस्की को चुन लिया वहाँ के प्रेसिडेंट, और वह प्रेसिडेंट बन गया, और सीआईए के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन है, अमेरिका के साथ अच्छा रिलेशन है, समर्थक है वो अमेरिका का, यूरोपियन कंट्री का, और इस तरह से दोनों के बीच विवाद और बढ़ गया। तो एक्चुअली 2014 में जब क्रीमिया पे अधिकार कर लिया रूस ने, क्योंकि रूस तो शक्तिशाली है, वह क्रीमिया पे आसानी से अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद ये सब भी नाराज हुए, पूरा यूरोपियन यूनियन नाराज हुआ था, और आपका ये पूरा का पूरा अमेरिका नाराज हुआ, और उस समय G8 एक संगठन है उससे रूस को अलग कर दिया, उसमें रूस भी शामिल था, इसमें 8 कंट्री है, उसका भी नाम याद रखे रहिएगा। यूरोप में तो 4 कंट्री यहीं पे है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जर्मनी है, एक इटली है, एक ब्रिटेन है, एक फ्रांस है, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 4 देश है, ये सुरक्षा परिषद में भी है आप जानते हैं, उसके साथ अमेरिका है और एक कनाडा है, तो अमेरिका सुरक्षा परिषद में है, कनाडा नहीं है, तो 4 और 2 6 हो गया, उसके साथ साथ एक जापान है, तो 7 हो गया, पहले जो है रूस भी था तो 8 था, लेकिन अब ये रूस को हटा दिया है तो G7 बन गए हैं ये G8। तो इस तरह से प्रतिबंध लगाते रहता है, उस समय भी आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया था रसिया पे, बड़े बड़े आर्थिक प्रतिबंध उस समय तो नहीं लगे थे लेकिन अभी लग गया है। एक्चुअली क्या है कि लुहांस्क में एक पिट्ठू सरकार है और डोनेट्स्क में पिट्ठू सरकार है, और रसिया ने युद्ध शुरू होने से पहले इस पे यूक्रेन पे चारों तरफ से पलटवार किया था। एक तरफ तो समझिए कि यूरोपियन देश है तो इसको छोड़ दीजिए, तो 3 तरफ से यूक्रेन को घेर लिया था। इस तरह से देखते हैं बेलारूस के जो सरकार है पूरी तरह से रसिया का पिट्ठू है, रसिया का समर्थक है, इसको समझ लीजिए कभी भी बेलारूस रूस में मिल सकता है। और वैसे भी पुतिन जो है वह चाहते हैं कि हम एक पूरा का पूरा एक बड़ा सा सोवियत संघ बनाए, ये जो 15 देश जो टूटा उसको हम मिला लेंगे, इसीलिए उसने जॉर्जिया पर भी आक्रमण कर दिया था, इसका भी 3 टुकड़ा कर दिया था, इसके 2 टुकड़े को उसने बड़े आसानी से स्वतंत्र करवा दिया। और ऐसा होता क्यों है? साथ ही साथ आप ये समझिए कि ये जो है आपका यूक्रेन, ये इसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क जो क्षेत्र है उसको भी अलग कर दिया और वहाँ पे एक सरकार बना दिया है। ऐसा करने के पीछे जो है आपको कैसे कर सकता है ये? एक्चुअली देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में UNO आपको पता है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 193 देश शामिल है, 194वां देश अभी नहीं है, 193 देश है, दक्षिणी सूडान इसमें एक देश बना था, शामिल हुआ था इसमें UNO में। तो UNO के एक आर्टिकल है उसको आप चार्टर कहिए, चार्टर उसको कहा जाता है 7 के तहत, तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी देश से अगर कोई भी क्षेत्र अलग होना चाहता है, अगर उसका भाषा अलग है और वह देश उस पर अत्याचार कर रहा है तो वह क्षेत्र अलग हो सकता है, वहाँ पे अपनी सरकार वो बना सकता है, उसको मान्यता विश्व दे सकता है, तो ऐसी व्यवस्था उसमें है। तो उसी का फ़ायदा उठाया
रूस के प्रेसिडेंट ने, उसने जॉर्जिया को भी तोड़ा, उसने यूक्रेन को भी तोड़ा, इस दोनों क्षेत्र को तोड़ करके अलग कर दिया और इस पर एक सरकार भी बना दिया, उसको मान्यता भी दे दिया। अभी हाल फिलहाल में अभी आपने दो चार दिन पहले सुना होगा कि इसको देश के रूप में मान्यता भी रशिया दे दिया है। हालांकि दुनिया में कोई भी देश इसको देश के रूप में मान्यता नहीं दिया है, लेकिन रूस ने दे रखा है। तो रूस देखिए कितना चालाक है, वह जब युद्ध किया था तो सबसे पहले उसने साइबर अटैक किया था, क्योंकि दुनिया में अब तकनीक से युद्ध लड़े जाते हैं, भौतिक लड़ाई कम होती है। जिसके पास तकनीक है वही युद्ध भी जीतता है और दुनिया भी उसी का है आने वाले समय में। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि इस यूक्रेन पे सबसे पहले साइबर अटैक किया और साइबर अटैक करके इसके बहुत सारे वेबसाइट्स को हैक कर लिया, इसके होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट को हैक कर लिया और इस तरह से सुरक्षा वाला जितना भी वेबसाइट था उसको हैक कर लिया। और वह यहाँ पे भी एक मशीन लगा रखा है हैक करने के लिए और इस साइड से भी उसने फौज को लगा दिया, इस साइड से भी, इधर तो रूस है ही और इस साइड से भी फौज लगा दिया, इधर ब्लैक सी है इसमें भी इसने जहाज उतार दिए हैं अटैक करने के लिए। और साथ ही साथ ये जो मालडोवा वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, इस मालडोवा का उत्तरी हिस्सा को भी इसने विद्रोहियों से अलग करवाया हुआ है। यहाँ भी बड़े विद्रोह होते हैं और यहाँ भी रूस का बहुत ज़्यादा समर्थन मिला हुआ है विद्रोहियों को, और इस तरह से यहाँ भी रूस के समर्थक है। मतलब इसको एक तरह से देखिए कि इस साइड को छोड़ दीजिए तो यूक्रेन को तीन तरफ से एकदम एक बाउंड्री की तरह, एक वाल की तरह घेर लिया है रूस ने। तो इस तरह से यूक्रेन को घेर करके आक्रमण हो रहा है और यूक्रेन लगातार गुहार लगा रहा है विश्व से कि आप हमारी मदद करिए। पहले तो इसको मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अब इसका मदद कर रहा है। देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी एक कहावत यह है कि अगर आप अपना खुद को ताकतवर नहीं बनाएंगे, अगर खुद का रक्षा आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आपका कोई रक्षा करने नहीं आएगा। एक्चुअली इसके साथ एक समझौता भी हुआ था कि बुडापेस्ट में कि रसिया ही इसका जब कभी विपत्ति आएगा तो उसकी मदद करेगा, अमेरिका करेगा और जर्मनी जैसे देश और ब्रिटेन जैसे देश करेंगे। लेकिन जब आक्रमण किया रूस ने यूक्रेन पे तो कोई देश सामने नहीं आया था, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा मदद पहुंचाया जा रहा था। जैसे नाटो जो है वो अपना सैनिक मदद भेज रहा है और बहुत सारे पैसे भी भेज रहे हैं, बहुत सारे धन संपत्ति भेज रहे हैं और गोला बारूद वगैरह से मदद कर रहे हैं। अब तो एकदम खुल के सामने आ रहे हैं, लेकिन उस समय कोई नहीं आया था। अब धीरे धीरे देख रहा है कि रूस जो है बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गया है, अब ये कंट्री भी आ गए हैं। क्योंकि अगर रूस के हाथ में अगर यूक्रेन चला गया तो यूरोप पर रूस का युद्ध की हालत जो है ना बड़ी गंभीर हो गई है। यूक्रेन में लगभग 20,000 से भी ज़्यादा जो है भारतीय छात्र पढ़ते हैं, वहाँ पे मेडिकल छात्र ही है अधिकांशतः। वैसे यूक्रेन में दुनिया के एक दर्जन से भी ज़्यादा देश के बच्चे जो है यहाँ पढ़ रहे हैं, वो मेडिकल की पढ़ाई, दुनिया में सबसे सस्ता पढ़ाई कहा जाता है यूक्रेन के पास है, इसलिए लोग जाते हैं वहाँ। मेडिकल की अच्छी सुविधा भी है, वर्ल्ड लेवल का मेडिकल फैसिलिटी भी है वहाँ पे, इसलिए दुनिया के बच्चे वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए, भारत के भी गए हुए हैं। अब यहाँ पे है क्या कि युद्ध जब चल रहा है तो रसिया ने धमकी दिया है कि हम परमाणु बम से भी हमला कर सकते हैं, इसीलिए कीव को छोड़ करके, खारकीव को छोड़ करके मंगलवार तक लोग यहाँ से निकल ले, नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लगातार सायरन सुनाई दे रही है, सायरन की आवाज़ें बज रही है, वो कह रहे हैं कि हम आपको चेता रहे हैं, जल्दी से इस कीव को खाली कर दीजिए, हम इस पर आक्रमण करेंगे। कहा जाता है 65 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है रसिया से यूक्रेन में पहुँचने के लिए, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, बख्तरबंद गाड़ियां है उसके साथ बहुत सारे बम और हथियार लेकर के रूस आ रहा है धीरे धीरे यूक्रेन की तरफ। हालांकि यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है, वो अभी झुकने के लिए तैयार नहीं है। कहा जाता है कि यह युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतना ही रूस को नुकसान हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ के खुद लोग भी, बहुत सारे ऐसे जगह पे ऐसे मिला है कि रूस के जनता ही रूस के सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। वो कहता है युद्ध को समाप्त करो, क्यों युद्ध को खींच रहे हो, मुझे गरीब बनाना चाहते हो क्या? क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध इतने लगा दिए गए हैं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के तरफ से कि हो सकता है इसका कमर टूट जाए, रूस हो सकता है उसका कमर ही टूट जाएगा। इसका विश्लेषण अभी करते हैं, लेकिन अभी आप समझिए कि यूक्रेन में 20,000 से ज़्यादा भारतीय फंसे हुए हैं और लगभग 1,00,000 स्टूडेंट फंसे हुए अलग अलग देशों के। भारत एक ऑपरेशन चला रहा है, ऑपरेशन गंगा, ओपी गंगा नाम से चला रहा है, जहां से लगातार यहां से स्टूडेंट को निकाला जा रहा है। स्टूडेंट जो है ज़्यादातर जो है पोलैंड भागे हैं, कुछ बेलारूस चले गए हैं, कुछ हंगरी भाग गए हैं, कुछ रोमानिया चले गए हैं, कुछ मालडोवा में भी चले गए हैं। तो इस तरह से चले गए हैं, चूँकि बगल में यही सब देश है इसलिए उसी देश में वो जा रहे हैं।
तो कहा गया है कि आप जो है ऑपरेशन गंगा के तहत इनको लेकर के आइए। तो भारत सरकार इसके लिए मदद कर रहा है, बहुत सारा इसमें नेता भी गए हैं, मंत्री भी गए हैं इस कंट्री में, और यहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। एक स्टूडेंट भी मारा गया है, अब बेचारा उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा वे तो आप समझ ही सकते हैं कि वो गरीब आदमी था और किस तरह से गया था यहाँ पे पढ़ने के लिए कि उसको सस्ते में पढ़ाई होगा और भारत में आकर के वो प्रैक्टिस करेगा, लोगों की मदद करेगा, वो मारा गया इस युद्ध में। तो इस तरह से जब युद्ध होता है तो निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। आपको अफगानिस्तान वाला याद होगा कि तालिबान जब कब्जा किया तो बहुत सारे निर्दोष को मारा गया, और वहाँ के राष्ट्रपति जो है वो गनी साहब वो तो भाग गए दुम दबा के, पहले ही फुर्सत से निकल लिए थे, लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की वो भाग नहीं रहा है, वह हिम्मत दिखा रहा है, वो कह रहा है कि मैं भागूंगा नहीं चाहे हमारी मृत्यु क्यों ना हो जाए। तो इसको कहते हैं जज्बात, इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। अगर आपके अंदर देशभक्ति है तभी आप युद्ध को जीत सकते हैं। युद्ध सिर्फ जीतने के लिए सिर्फ हथियार नहीं चाहिए, उसके लिए जज्बा भी चाहिए, उसके लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड होना पड़ता है, उसके लिए राष्ट्रभक्त होना पड़ता है, तब जाकर के आप युद्ध जीतते हैं। और वही चीज़ दिखा रहा है यूक्रेन। तो भविष्य में किस तरह की करवट लेगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन फिलहाल तो युद्ध चल ही रहे हैं और इससे विश्व व्यवस्था को नुकसान भी हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि भारत का स्टैंड क्या है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पे। देखिए, भारत हमेशा से रूस का काफ़ी समर्थक भी रहा है और रूस भी भारत को काफ़ी समर्थक रहा है, लेकिन ये जो परिस्थिति पैदा हो गई है, अब हम किसका समर्थक बने नहीं बने, यह एक बड़ी समस्या है। भारत हमेशा से ही कहता रहा है कि हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। एक ज़माने में जब शीत युद्ध चल रहा था तो अमेरिका जो है चीन को कह करके पाकिस्तान को अपने खेमे में मिला लिया था, और इस तरह से वह एक दबाव का काम कर रहा था इस रूस के ऊपर। और अभी फिलहाल आप देखेंगे कि रूस की दोस्ती बहुत ज़्यादा चीन के साथ है, और चीन जो है पाकिस्तान पे दबाव दे करके वह रूस भेज दिया था, और रूस ऐसे भी एक ये पाकिस्तान को अरब 10,000 करोड़ रुपया मांगने के लिए कि भैया कर्जा के रूप में आप 10,000 करोड़ हमको दीजिए और पाइपलाइन बिछा दीजिए हमारे यहाँ। तो रूस के जो राष्ट्रपति है लेनिन, उसमें क्या वार्ता हुई किसी को पता नहीं है, लेकिन अमेरिका ने $4 अरब का पूरा एक जुर्माना लगा दिया है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान को इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आखिरकार पाकिस्तान को सलाह कौन दिया था, ये एक ताज्जुब की बात है। हम लोग भी सोचते हैं कि कितना बेवकूफ़ी वाला कदम उठाया उसने, चीन के कहने पर पाकिस्तान गया है रूस में, और वह इतना भारी नुकसान होगा उसके, देशवासी उसको समझते होंगे। हमको तो लगता है कि जब से वो लौट के गया है फिर से पाकिस्तान में वहाँ विद्रोह हो रहा है, वहाँ कह रहा है कि हटाओ इसको, जल्दी से हटाओ यहाँ, वहाँ विद्रोह हो रहा है, हो सकता है इसको ऐसा खमियाजा घोतना पड़ जाए कि गद्दी ही छोड़ना पड़ जाए। तो ये तो भविष्य की बात है। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या क्या हुआ है। देखिए, रूस जब आक्रमण किया तो आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया है। आर्थिक प्रतिबंध में एक बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा है, उसको बोलते हैं स्विफ्ट, SWIFT। ये स्विफ्ट पे पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है कि रूस जो है वह किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न कर सके, इसके लिए इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये होता क्या है, देखिए, जब पैसा के आप ट्रांसफ़र करते हैं अपने ही देश के अंदर में, एक क्षेत्र के अंदर में, जैसे दिल्ली से बम्बई भेजना हो या बिहार से कहीं और भेजना हो किसी भी दूसरे जगह, एक ही देश के बाउंड्री के अंदर में, तो उसके लिए चाहिए आपको IFSC कोड चाहिए होता है। IFSC कोड के जरिए ही आप भेज सकते हैं, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय अगर लेन देन करना हो ब्रिटेन से या फिर श्रीलंका से इस तरह से, तो आपको ये कोड चाहिए, स्विफ्ट वाला कोड चाहिए। तो यही कोड पे रोक लगा दिया है यूरोपियन संघ और अमेरिका ने। तो इससे क्या होगा कि व्यापार चौपट हो सकता है रूस का, और वह दूसरे से व्यापार नहीं करेगा। लेकिन इस सब के पीछे भी आप देखेंगे कि रूस जो है इसका काट पहले से निकाल रखा था, लेकिन वह काट जो है वो एकदम कारगर नहीं है। रूस क्या किया था, युद्ध छेड़ने से पहले उसने अपने यहाँ सोना का अच्छा खासा भंडार कर रखा था, सोना का भंडार कर लिया, कहा कि जब युद्ध होगा, इस तरह की परिस्थिति पैदा होगी, जब देश हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, इकोनॉमिक जो है जब एम्बार्गो लगाएंगे, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ उसने एक और काम किया था, क्रिप्टो करेंसी। आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार का करेंसी है, कहा जाता है कि यह भौतिक वस्तु नहीं है, इसको आप टच नहीं कर सकते हैं, इसको आप छू नहीं सकते हैं, यह एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होता है, यह आभासी है, इसको कंप्यूटर से बनाया जाता है, इसको बोलते हैं माइनिंग ऑफ
क्रिप्टो करेंसी उसको बनाया जाता है, खनन करके नहीं निकाला जाता, उसका नाम भले ही माइनिंग है लेकिन प्रोडक्शन करने को बोलते हैं माइनिंग करना, और वह कंप्यूटर से बनाया जाता है, उसके लिए बहुत हेवी कंप्यूटर चाहिए होता है, बहुत अधिक एनर्जी कंजम्पशन होता है उसमें, और साधारण आदमी इसको नहीं बना सकता है। तो इससे भी लेन देन होता है, जब आप कमोडिटी का एक्सचेंज करते हैं, कमोडिटी को खरीद फरोख्त करते हैं, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूस में और चीन में इसके बीच में क्रिप्टो करेंसी चल रहा है, बड़े पैमाने पर चलता है, कोरिया भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो सोना का भंडार था और क्रिप्टो करेंसी के कारण उसको लगा कि अगर हमको आर्थिक प्रतिबंध लगा भी दिया गया तो हम झेल लेंगे, क्योंकि चीन के साथ रूस का बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन चीन जो है एन मौके पर धोखेबाज तो है ही, उसने कहा कि नहीं, हमको तो ज़्यादा व्यापार होता है यूरोपियन कंट्री से और अमेरिका से, तो हम उसकी नाराजगी तो मोल लेंगे नहीं। इसके लिए जब स्विफ्ट पे प्रतिबंध लगाया तो चीन भी उसमें हामी भर दिया है। कई बार चीन बोल चुका है रूस को कि आप युद्ध को समाप्त करिए और इसमें बहुत ज़्यादा घाटा लग रहा है, अब आप इसको समाप्त करिए। इतना प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि चीन की भी हालत ख़राब हो सकती है, इसलिए चीन जो है अब आपको यूरोपियन कंट्री और अमेरिका के तरफ इसका भी उसको भी नाराज ये नहीं कर सकता है। तो इस तरह से अंत में फ़ायदा चीन को ही मिलेगा। चीन तो अब ये चाहता है कि जैसे रूस ने जॉर्जिया को तोड़ा और इधर आपका यूक्रेन पे हमला करके इस दो क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित करवा लिया और क्रीमिया पे अधिकार लिया कर लिया, तो वो भी चाहता है कि हम भी आप यहाँ पे एक जगह है, उस जगह को आपको पता होगा उसका नाम है ताइवान, और ताइवान पे क्यों ना कब्जा कर ले। उसने कुछ चीज़ों को भेजा भी था यहाँ पे, हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ रहे थे इसका, लेकिन अभी वह कब्जे में नहीं आया है, लेकिन वो चाहता है कि हम कब्जा कर ले। वह तो चीन सागर में भी चाहता है, कहीं कहीं पे पूरे क्षेत्र में हम जा करके इस क्षेत्र को भी कब्जा कर ले। अब भारत को क्या करना चाहिए, क्या भारत को भी कब्जा करना चाहिए किसी क्षेत्र को? एक्चुअली बलूचिस्तान जो जगह है पाकिस्तान में, यहाँ पे आपको पता होगा कि पाकिस्तान है, यहाँ पे एक बलूचिस्तान नाम का जगह है जहाँ पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, और बलूचिस्तानी लोग जो है वो अपने आप की स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से हम अलग हो जाए, हमको एक स्वतंत्र देश का दर्जा मिले, और वो भारत से समर्थन चाहता है। तो भारत अभी ये कर सकता था कि अपना आर्मी भेज करके बलूचिस्तान को अपने में मिला सकता था, नहीं तो उसको स्वतंत्र देश घोषित करवा देता और अपना पिट्ठू सरकार यहाँ बना सकता था, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय संधि का बहुत सम्मान करता है और इस तरह की चीज़ों में उलझना नहीं चाहता है, क्योंकि हमें अपनी समस्याओं को सोल्व करना है, अपनी गरीबी दूर करना है, हमें अपने विश्व में वर्चस्व स्थापित करना है, इसके लिए युद्ध हम नहीं लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा कर नहीं रहे, लेकिन भविष्य में ऐसा किया जा सकता है, भारत ऐसा चाहे तो कर सकती है। और भी आपको बताते हैं कि वर्तमान में भारत की जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह की है। भारत वाकई में अभी धर्म संकट में पड़ा हुआ है, भारत किसका साथ दे किसका नहीं दे ये बहुत मुश्किल है। उसको लगता है कि अगर हम रूस का साथ देंगे तो हो सकता है इकोनॉमिक प्रतिबंध हमको अमेरिका से झेलना पड़ जाए, यूरोपियन कंट्री से झेलना पड़ जाए, क्योंकि हमारा व्यापार चीन के साथ तो होता ही है, हमारा व्यापार यूरोपियन कंट्री के साथ भी होता है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी होता है, अमेरिका के साथ भी होता है, हालांकि रूस के साथ भी होता है। रूस हमारा बहुत बड़ा पार्टनर रहा है। आपको याद होगा कि 1971 में जब युद्ध और अमेरिका जब बदमाशी किया पाकिस्तान के पक्ष में, जब सातवां बेड़ा उतार दिया था, तो उस समय रूस ने ही हमारी मदद की थी। रूस ने अपनी अपनी जो है पूरा का पूरा जो है युद्ध का सामान देकर के भारत को मदद किया था, और उसके डर के मारे ये सातवां बेड़ा जो है वह भाग गया था, अमेरिका लौट गया था। अगर रूस नहीं होता तो उस समय कुछ भी हो सकता था। साथ ही साथ आपको पता होगा कि रूस जो है 1999 में भी भारत की मदद किया, और कई बार जो है जब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में जब मांग करते हैं तो रूस भी हमारा समर्थन कर देता है। साथ ही साथ रूस और भी कई मौक़ों पर भारत का साथ देता रहा है। भारत में आने वाले लगभग 55% जो अभी आप देखेंगे बीपॉन्स है, लड़ाकू विमान वगैरह है, वह रूस के ही है। 55% ये रसिया ओरिजिन है, रसिया ऑपरेटेड है। अगर रसिया को कुछ होता है या रसिया हमें यह साजो सामान नहीं देता है, आर्थिक प्रतिबंध लगता है, तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि हमारा जो है ये पूरा समझौता जो है, जो हम लोग मंगाते हैं हथियारों को, वह खटाई में पड़ सकता है। आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में रूस ने S-400 दिया था भारत को, S-400। ये S-400 बड़ा आधुनिक अत्याधुनिक जो है हथियार है, और इसका रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको काउंटर करना है चीन को और इधर आपको पाकिस्तान को। हालांकि S-400 का अमेरिका लगातार विरोध कर रहा था, चीन भी नहीं चाहता था कि भारत को मिले, लेकिन अमेरिका के विरोध के बावजूद चीन ये रूस जो है वह भारत को ये हथियार मुहैया करा दिया। दिसंबर में पहला खेप भी आ गया है। तो इस तरह से रूस जो है हमारा मदद करते रहा है।
और यूक्रेन जो है कहा जाता है कि हमारा विरोधी ही रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में भी यूक्रेन विरोधी रहा, पाकिस्तान को लेकर के वह समर्थन में रहता है, जम्मू कश्मीर का जो मामला आया 370 उसमें इसने विरोध में खड़ा था और कई बार इसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन कहा जाता है कि सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो यूक्रेन को अपना इंटरेस्ट जहां लगा उसने वो किया, हमको जहां लगेगा वो हम करेंगे, हम यहां इस मामले में न्यूट्रल है, हम हमेशा से न्यूट्रल ही रहे हैं। एक ज़माने में जब शीत युद्ध चल रहा था तो रसिया चाहता था कि हमारे खेमे में शामिल हो जाए और अमेरिका चाहता था हमारे खेमे में शामिल हो जाए, लेकिन भारत किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ, कहा कि भैया आप लोग जो है अपना अपना लड़ते रहिए, हम लोग नया नया स्वतंत्र हुए हैं, हमको अभी आर्थिक विकास करना है, आपके खेमे में शामिल नहीं होंगे। और इन्होंने बनाया था गुट निरपेक्ष, एक संगठन बनाया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन चला था, उसके बाद गुट निरपेक्ष एक पूरा का पूरा जो है संगठन बन गया था, उसमें भारत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में था। तो जवाहरलाल नेहरू एक दूरदर्शी नेता थे और उन्होंने सही किया कि वह किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। और हमें अब क्या करना चाहिए, देखिए एक्चुअली क्या है कि ये जो है अमेरिका ये चाहता है कि रूस का ध्यान बटे, इसके लिए वो चाहता है कि इजराइल जो है इजराइल सीरिया पे आक्रमण कर दे, लेकिन इजराइल भी सीरिया पे आक्रमण नहीं करेगा क्योंकि सीरिया जो है वहाँ पे S-400 रूस जो है वह तैनात कर रखा है और इजराइल जो है वो काम वो नहीं करेगा क्योंकि इजराइल तो समर्थक है अमेरिका का, तो वो तो रूस के खिलाफ खड़ा हो सकता है लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि ईरान जो है ना वो ईरान जो है आपको मिडिल एशिया में ईरान बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ईरान जो है ईरान रूस का समर्थक देश है, तो वह रूस ईरान को कह करके सीरिया में वो अपना आर्मी को भेज सकता है और इस तरह से इजराइल को तंग कर सकता है, इसलिए इजराइल चाह करके भी सीरिया पे आक्रमण नहीं करेगा और रूस को जो है वह बिना रूस के इजाज़त से वह सीरिया पे आक्रमण भी नहीं करेगा, तो इस तरह से हटाने के लिए हो सकता है कि वो कर दे लेकिन ऐसा वो करेगा नहीं। अब समझिए कि अमेरिका का ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वह तो इस कंट्री पर नहीं था, अमेरिका का ज़्यादा इंटरेस्ट था ये जो प्रशांत वाला देखते हैं ना इंडियन पैसिफिक रीजन पे था, वो चाहता था इंडोनेशिया फिलीपींस जापान वगैरह और ये जो आप चीन देख रहे हैं वो और जो इंडिया देख रहे हैं वो, इस तरफ वो ध्यान लगाना चाहता था, लेकिन अभी अचानक से एक परिस्थिति पैदा हो गई जिसमें उसको यूक्रेन पे ध्यान देना पड़ रहा है क्योंकि उसका पार्टनर जो है यूरोपियन यूनियन है और यूरोपियन यूनियन का इंटरेस्ट जो है वह हिंद पैसिफिक में नहीं होकर के इसी क्षेत्र में है क्योंकि उसी का हित जुड़ा हुआ है, इसके बगल में है और चूंकि दोस्त है अमेरिका यूरोपियन यूनियन का, इसलिए वह न चाहते हुए भी इसमें पूरे इन्वॉल्व हो रहा है, वो नहीं चाहता है कि हम ज़्यादा प्रतिबंध लगाए या रसिया पे इस तरह से चीज़ों को करें, लेकिन वह करेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है, वह यूरोपियन यूनियन के दबाव में आकर के आर्थिक प्रतिबंध लगाते जा रहा है, जर्मनी ने भी आर्थिक प्रतिबंध लगाया है रूस पे, उसने गैस पाइपलाइन जो है उसको उसने खटाई में डाल दिया है, हालांकि ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगने से यूरोपियन कंट्री को भी नुकसान होगा क्योंकि 50% से भी ज़्यादा गैस की सप्लाई जो है रसिया करता है यूरोपियन कंट्री को, और आपको पता होगा कि यूरोप में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है और वहाँ बिजली की खपत भी अधिक है और बिजली जो है उसके लिए गैस बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ घरों में जो है घरों को कहते हैं ना कि हीट बनाने के लिए क्योंकि बहुत ठंडा पड़ता है ना, इसके लिए वहाँ पे वो गैस की बहुत ज़रूरत होती है, गैस की बहुत अधिक खपत होती है, डिमांड होता है, लेकिन अगर आर्थिक प्रतिबंध लगाया और गैस नहीं गया तो यूरोपियन कंट्री में भी गैस की किल्लत हो जाएगी, बिजली की किल्लत हो जाएगी और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा आराम पसंद होते हैं और वह अपने ही सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लगेंगे क्योंकि जब उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी तो ऐसा वो करेंगे, तो एक दूसरी समस्या पैदा हो सकती है वर्ल्ड के लिए। तो इस तरह से आर्थिक प्रतिबंध का जो असर है वो पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, रूस पर तो पड़ ही रहा है, रूस का जो पैसा है वो कहा जाता है कि रूबल जो पैसा है वो 30% नीचे गिर गया है, दुनिया का कहा जाता है कि जो बाजार है जो इकोनॉमी है वो धराशायी हो रहा है, भारत का शेयर मार्केट भी 5% नीचे गिर गया, हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया है, तो इस तरह से चीज़ें हो रही है। अब भारत को क्या करना चाहिए कि एक न्यूट्रल अपना एक न्यूट्रलिटी में रहना चाहिए और वैसे भी अभी किसी का साथ देना वाकई में तर्कसंगत नहीं है इस युद्ध को लेकर के क्योंकि हमारा छात्र भी यहाँ फंसे हुए हैं, साथ ही साथ भारत ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है, भारत ने कहा भी है कि हम जो है इस युद्ध में शामिल बिल्कुल भी किसी का पक्ष नहीं लेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे क्योंकि भारत जो है इस तरह से न्यूट्रल रह के रूस का ही साथ दे रहा है एक तरह से। कैसे आप देखेंगे कि भारत जो है वह UNO में
अभी अस्थायी सदस्य है यूएनए में, यूएनए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में। आपको पता है कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी काउंसिल है SC, उस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत जो है अस्थायी सदस्य है। अस्थायी, अभी जानते हैं कि 5 अस्थायी होता है, 10 अस्थायी बराबर 15 सदस्य है, उसमें भारत भी अस्थायी सदस्य है। भारत ने बिल्कुल भी किसी के पक्ष में वोट नहीं किया है। साथ ही साथ भारत पे दबाव था संयुक्त राष्ट्र महासभा का, और कहा गया था कि आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। भारत ने कहा कि हम किसी के भी पक्ष में नहीं है, हम युद्ध समाप्ति के पक्ष में हैं, हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाए। रूस के जो व्लादिमीर पुतिन है राष्ट्रपति, उससे भी बात किए हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी साहब ने बात किया और रूस के राष्ट्रपति को कहा कि आप युद्ध को समाप्त कर लीजिए, और ये दो काम करिए, एक तो आपसी संवाद करिए, संवाद से युद्ध को समाप्त करिए, दूसरा कूटनीति का सहारा लीजिए और इसके जरिए युद्ध को समाप्त कीजिए, ये डिप्लोमेसी के जरिए समाप्त करिए। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। पता है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें अमेरिका है, इसमें भारत है, जापान है, लेकिन इसमें भी जापान और ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये जो है USA, इसका साथ भारत ने नहीं दिया है, उसने अपना स्टैंड एकदम से न्यूट्रल रखा है। साथ ही साथ UNO में तो जा नहीं रहे, अभी आपका चर्चा हमने कर दिया है, उसमें भी स्टैंड क्लियर कर दिया है, कहा कि हम जो है हम किसी के भी पक्ष में नहीं है, हम युद्ध के समाप्ति के पक्ष में है। साथ ही G20 में भी इसने क्लियर कर दिया है कि हम जो है वह रूस का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम युद्ध का विरोध करते हैं। हम यूक्रेन के समर्थक भी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्त होना चाहिए। साथ ही भारत का एक और क्लियर बात है कि वो नाटो के एक्सपेंशन को क्रिटिसाइज नहीं करता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स भारत के अंदर, बहुत सारे जो न्यूज़ वाले हैं, मीडिया हाउस है, वो तो कह रहा है कि हाँ नाटो यहाँ आया तो रूस ने ये कर दिया, रूस ने लगता है ठीक ही किया है, क्योंकि कोई भी अपने दुश्मन को अपने दूरा पर आकर के खड़ा होने की इजाज़त नहीं दे सकता है। लेकिन यूक्रेन को भी तो अपना अधिकार है अपना विकास करने का भाई साहब। भारत ने इसीलिए स्टैंड नहीं लिया, भारत ने नाटो को क्रिटिसाइज नहीं किया है, भारत ने नाटो को क्रिटिसाइज किया है न यूक्रेन को न ही रसिया को, बस भारत अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखा है, एकदम सही बात है। साथ ही साथ आपको पता है कि ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है यूक्रेन को, यह गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक देश है रसिया और यूक्रेन। आपको पता है कि दुनिया में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, फिर भारत करता है, फिर यही रसिया और यूक्रेन करता है। तो ये जो है गेहूं की पैदावार घटेगी तो गेहूं का दाम बढ़ जाएगा, तो भारत के किसानों को इससे फायदा हो सकता है, लेकिन सोना का दाम बढ़ जाएगा, पेट्रोलियम का दाम बढ़ जाएगा, तो इससे तो नुकसान ही होगा अर्थव्यवस्था को। तो कुल मिलाकर के इससे नुकसान ज़्यादा है फायदा। यहाँ पे एक बात और समझने की ज़रूरत है कि जब चीन के साथ भारत का युद्ध होगा तो रूस किसका साथ देगा। एक्चुअली चीन का हमेशा से रूस जो है समर्थक रहा है, चीन जो है रूस समझता है कि चीन भाई है, रूस चीन को समझता है कि भाई है, ब्रदर है, क्योंकि दोनों जगह पे आप जानते हैं कि दोनों जगह कम्युनिस्ट सरकार है, और हालांकि अब तो कैपिटलिस्ट की ओर बढ़ रहा है दोनों का इकोनॉमी, लेकिन दोनों के अंदर में बहुत गहरी दोस्ती है, आप कहिए कि वो उसको भाई मानता है। लेकिन रूस जो है भारत को जो है वह मित्र मानता है, चीन को भाई मानता है, भारत को मित्र मानता है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि जब युद्ध होगा भारत और चीन के बीच में तो रूस हमेशा चीन का साथ देगा, क्योंकि चीन को वह भाई मानता है। इसी तरह से 1962 में जब युद्ध हुआ तो रसिया जो है वह चीन का साथ दिया था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ तो वह रूस जो है भारत का साथ दिया था। 1971 में पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध हुआ तो जो रूस है वह भारत का साथ दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ चीन नहीं है, और जब भी हमारा झंझट पाकिस्तान के साथ होता है तो रूस हमारे साथ होता है, लेकिन चीन के साथ अगर झंझट हुआ तो रूस चीन के साथ होता है। तो इस तरह से ये डिप्लोमेसी चलती है। तो हमको भी अपने अनुसार चलना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि हमारे देश का हित किस में है, हमारे लोगों का हित किस में है, तभी हम कोई भी कदम उठाएंगे। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती है। तो आई होप कि आप इस विश्लेषण को समझे होंगे, और अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट अप टू डेट लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।